हेलो नौ, कैसे हो आप एक सब। बार फिर से हाजिर हैं हम नौ की एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। और नौ वालों, आज की वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आ गए हैं उन्नाव का एक बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। तो काफी टाइम से सोच रहे थे कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए, और आज फाइनली हम पहुंच गए हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, क्योंकि उन्नाव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो म्यूजिक का शौक रखते हैं, खुद का गाना रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, एल्बम बनवाना चाहते हैं, कवर सॉन्ग बनवाना चाहते हैं। लखनऊ कानपुर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें आप यहाँ उन्नाव के इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करवा सकते हो। ये पूरा कंट्रोल रूम का सेटअप है, और ये जो सामने ग्लास लगा है उसके पीछे है रिकॉर्डिंग थिएटर। यहाँ की हर एक चीज को आपको डिटेल में बताएंगे, ए टू जेड सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, आज की इस वीडियो में वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। तो चलो उन्नाव वाला वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं MSM स्टूडियो में, और भाई यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, और ये वो शख्स हैं जो MSM स्टूडियो को रन करते हैं और यहाँ के डायरेक्टर हैं। भाई स्वागत है आपका उन्नाव सिटी रिव्यू में। भाई भाई आपका सबसे पहले आपका भाई जो स्टूडियो है बहुत ही ज़बरदस्त बना है, और ख़ास करके भाई अपने उन्नाव शहर में बना है इतना ज़बरदस्त स्टूडियो, उसके लिए भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप सबसे पहले आपने स्टूडियो के बारे में डिटेल में बताएं, कैसे आप कहाँ पे किस चीज़ का कैसे वर्क करते हो आप? ये अभी आप जहाँ पर बैठे हुए हैं वो कंट्रोल रूम है, जहाँ से हम लोग पूरा माइक अंदर जो लगा हुआ अभी आप पीछे देख रहे होंगे। हाँ, पीछे दिख रहा है जो रिकॉर्डिंग रूम बहुत बोलते हो वहाँ पे, वहाँ का जितना भी कंट्रोल है वो हमारे पास यहाँ पर है। अच्छा, अब एक एक चीज़ के बारे में बताइए, कैसे यहाँ पे किस चीज़ का वर्क कैसे होता है हर एक चीज़ का? जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट सामने चल रहा है, हम देख रहे हैं। ये अभी जो प्रोजेक्ट खुला हुआ है वो एक क्लाइंट का मेरा प्रोजेक्ट है, कवर सॉन्ग, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कंट्रोल रूम है, ये हमारा हेडफोन है, ऑडियो टेक्निका का काफ़ी अच्छी, ये मिक्सअप के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, ये मिक्सिंग के लिए भी, और अगर वहाँ से कोई आता है तो यहाँ पर हम लोग सुनते हैं। और एक हेडफोन वहाँ पर भी लगा हुआ, अभी आपको थोड़ा सामने वो माइक्रोफोन लगा सामने लगा है जो कंडेंसर माइक, अभी वहाँ का भी आपको दिखाएंगे। और ये कीबोर्ड जो कि आपको पता है, ये माउस है, ये हमारा मिडी है जिससे हम लोग ड्रम हुआ या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट हुआ जैसे उसकी ट्यून निकालते हैं, वायलिन हुआ या कीबोर्ड हुआ उसकी ट्यून यहीं से बनाते हैं। ये उसका क्या पिच बैंड है, ये मॉड्यूलेशन वगैरह है। ये दूसरा लैपटॉप रखा हुआ जिसमें हम लोग अपना पूरा डेटा क्लाइंट का रखते हैं, ठीक है, ये डाटा के लिए जी। और ये जो हमारा है ये स्टूडियो मोनिटर स्पीकर, इससे हम लोग मिक्सिंग करके जैसे किसी क्लाइंट को सुनाना होता है तो इससे सुनाते प्रॉपरली। ये स्टूडियो के लिए ही बना हुआ है, स्टूडियो के लोग इस पर वर्क करते हैं। अच्छा अच्छा। और ये हमारी जो ये मेन स्क्रीन आपकी मेन स्क्रीन है, ये सेकेंडरी होगी, ये लैपटॉप है, इसी की सेकेंडरी स्क्रीन ये है। ये अच्छा। जैसे अब इधर आप एक तरफ देख रहे होंगे मेन प्रोजेक्ट खुला हुआ, दूसरी तरफ जैसे उसका जो कंट्रोल्स होते हैं उसका मिक्सर का, वो इधर खुला हुआ है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर मिक्सिंग मास्टरिंग और लाइव रिकॉर्डिंग सारा सारा कुछ होता है यहाँ, ए टू सारी हर तरह की यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाती है, हर तरह की। और ये हमारा पियानो है जो कि यामाहा का है, और दूसरा ये वाला है, ये E463 है, और ये CTX 700 है, इससे मैं काम करता हूँ। और काफ़ी मेरे दोनों ही प्यारे पियानो हैं, इनसे भी कभी कभी इनकी भी टोन वगैरह मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। मतलब जहाँ पे इतने भी इंस्ट्रूमेंट है हर चीज़ का यूज़ होना है कहीं ना कहीं से। अपने पीछे की तरफ देखेंगे तो हारमोनियम है, कैमरे का बैग है, नीचे प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट के लिए साउंड रखे हैं, माइक रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब ए टू जेड हर चीज़ें हैं यहाँ पर म्यूज़िक के लिए जी। अच्छा, जो आप एल्बम बनाते हो उसमें वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हो, किस चीज़ से? वीडियो जो है वो DSLR से करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रखा हुआ है कैनन का सबसे कुछ। हाँ हाँ, ये दूसरा सोनी का है। हाँ, और दोनों ही अच्छे कैमरे हैं, फुल HD कैमरे दोनों से, क्वालिटी ज़बरदस्त आने वाली है। उसके बाद इसकी एडिटिंग जो होती है वो हम करते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। और तो मेनली सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हो आप? सॉफ्टवेयर जो है वो फाइनल कट प्रो, जो कि लोग मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, फाइनल कट प्रो जो कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, उसका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। और ये मैकबुक किस चीज़ में यूज़ हो रहा है फिलहाल इस समय? इस पे आप देख रहे हैं लॉजिक प्रो एक्स एक तरफ खुला हुआ है, दूसरी तरफ इसी का मिक्सर खुला हुआ है। अच्छा अच्छा। और ये मेरा मैकबुक प्रो है जो कि मैंने 2019 में लिया था। तो अभी आप देख रहे थे कंट्रोल रूम, अब हम लोग जाएंगे, सामने आप देख रहे हो रिकॉर्डिंग रूम है ये, अब इसके अंदर हम लोग जाएंगे और देखेंगे अंदर वर्क कैसे होता है, ठीक है, आप चलते हैं। तो ये है MSM का रिकॉर्डिंग रूम है, यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर दो हेडफोन लगे हैं, दो हेडफोन किस लिए लगे हैं ये? एक जो हेडफोन है वो नॉर्मल हेडफोन है, जैसे मैं कभी अकेले बैठता हूँ यहाँ पे तो इसमें केवल गाने वगैरह सुनता हूँ, अपने या फिर दूसरों के गाने सुनता हूँ। और ये दूसरा वाला? दूसरा वाला हेडफोन है, ये सनाइजर का है, इससे मेन सिंगर इसको लगाता है, इसमें म्यूजिक और उसकी वोकल सुनाई देती है, इस तरीके से लगाता है और इसके सामने माइक के सामने गाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पॉप फिल्टर,
क्योंकि आप गाना गाते हो तो कुछ बफ टाइप का भा फा ये जो शब्द होते हैं उनकी एयर को ये रोकता है। ये जो आपका भा फा जो शब्द आते हैं फिर तो इनसे जो एयर निकलता है ये उसको रोकता है, कंट्रोल करता है। दूसरा ये आपका मेन माइक है जिसमें आपकी वॉइस रिकॉर्ड होती है, इसको बोलते हैं कंडेंसर माइक। अच्छा, ये वायर का ये पूरा कंट्रोल आपका वहां पर है। ये जो आप देख रहे हो ये जो कंट्रोल रूम है यहाँ से अटैच है पूरा जी, या ये पूरा आपका वहाँ से कंट्रोल है। वहाँ पे एक रिकॉर्डिस्ट बैठता है और यहाँ पे सिंगर होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये शीशा लगा हुआ है ताकि ये एक दूसरे को देखा जा सके। चल ठीक है, बाहर चल के देखते फिर से कंट्रोल रूम में। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है आखिरी में, चार्ज आपने जो ये सेटअप लगाया पूरा इसमें खर्चा कितना आया है? ये सेटअप लगा हुआ है इसमें समथिंग 4-4.5 लाख रुपये का पूरा सेटअप लगा हुआ। 4-4.5 लाख का सेटअप आप ये देख रहे हो उन्नाव में बैठे बैठे, और ये भाई इसको अपडेट करते जा रहे हैं क्योंकि हम इससे पहले एक बार आए थे तब ये सामने आप देख रहे हो दो स्पीकर रखे हुए हैं। ये दोनों स्पीकर इससे पहले नहीं थे यहाँ पे, ये हमने आज देखा है। तो मतलब कि दिन पे दिन ये चीज़ें दिन पे दिन इसको अपडेट किया जा रहा है, ऐसे ऐसे मतलब कि चीज़ें आ रही हैं। मुझे सपोर्ट उन्नाव वालों से मिलता रहेगा, मेरे भाई या जितने मेरे दोस्त वो आते रहेंगे, और कोशिश पूरी यही है कि उनको लखनऊ कानपुर से भी अच्छे लेवल पे रिस्पांस मिले यहाँ से। हाँ, दे सके। अब देखो यहाँ पे रिस्पांसिबिलिटी उन्नाव वालों की भी बनती है कि उन्नाव वाले इधर उधर ना भाग करके अपने उन्नाव शहर के ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो का इस्तेमाल करें। अच्छा, उन्नाव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं, अपनी आवाज़ में गाना गाना चाहते हैं, वो MSM में आके कैसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? नॉर्मल प्रोसेस है, वो अपना गाना जो उनका खुद का लिखा हुआ या कवर सॉन्ग है वो मेरे यहाँ लेके आए, हम उनको सुनेंगे और जाहिर सी बात है रिकॉर्डिंग के लिए वो आएंगे तो रिकॉर्ड करेंगे। अगर म्यूज़िक लेके आते हैं तो वो भी म्यूज़िक का अलग होता है, अगर वो बनवाना चाहते तो उसका अलग होता है, बाकी उसमें मतलब खिंचाने की कोई बात नहीं है। नॉर्मली वो यहाँ आए, हमसे मिले, बात करें, अपनी मतलब जो भी गाना है वो बताएं, उसके बाद यहाँ पे उसका प्रोसेस चालू होगा और उसके बाद रिकॉर्डिंग चालू होगी। अगर आपको ऑफिशियल सॉन्ग है तो म्यूज़िक बनाया जाएगा, नहीं है कवर्स म्यूज़िक अगर आप लाए हैं तो वो ऐसे रिकॉर्डिंग की जाएगी। हमारे पास पूरी टीम है, कंपोजिशन करने की टीम है, और प्रोग्रामिंग तो मैं खुद ही करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा। मिक्सिंग मास्टरिंग भी मैं खुद ही करता हूँ, वीडियो प्रोडक्शन भी मैं खुद ही करता हूँ। तो जैसा जिसका जो बजट होता है उस हिसाब से काम भी होता है। अगर आप हम चाहते हैं कि आप हमसे कंपोज भी करवाएं और उसका म्यूज़िक भी बनवाएं तो वो भी करते हैं। अगर आप कंपोज करके लाते हैं, मुझे केवल म्यूज़िक बनाई प्रोग्रामिंग करनी होती तो वो भी करते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि आप जितना पैसा अदर सिटी में दोगे जाकर इस काम कराने के लिए, वो आप उन्नाव शहर में ही रह करके उसे कम से कम पैसों में करवा सकते हो। आप बाहर जाएंगे कानपुर में आपका रेंट लगेगा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो का मसला होता है कि वहाँ पे एक दिन में आप रिकॉर्डिंग नहीं करवा सकते, लंबा प्रोसेस चलता है। वहाँ पे हफ्ते भर का भी चल सकता है, महीने भर का भी चल सकता है, 15 दिन का भी चल सकता है और 3 दिन का भी चल सकता है। अब अगर आप कानपुर लखनऊ जाओगे तो आपका रेंट भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, लेकिन उन्नाव में क्या, मैंने ये स्टूडियो खोला है यहाँ, आपको कम बजट में वो बजट में बता नहीं सकता, वो जब आप आओगे तो खुद ही पता चलेगा। जो आप अगर बाहर 15,000 पे करते हो तो आपको यहाँ केवल 13,000-12,000 में ही आपका काम होगा, आपका रेंट भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा और थोड़ी रियायत भी बढ़ती जाती है। जैसे कोई प्रॉब्लम अगर आपको है, कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आपको बताया भी जाता है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग उन्नाव में हैं जिनको मतलब कि म्यूज़िक की नॉलेज है, उनको मतलब कि सीखना है तो कहाँ सीखें जा करके? देखिए, वैसे तो हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ पर भी म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स चलता है, रिकॉर्डिंग का, मिक्सिंग मास्टरिंग का, प्रोग्रामिंग का। अगर कोई इच्छुक है कि वो म्यूज़िक बनाना सीखना चाहता है या रिकॉर्डिंग करना या मिक्सिंग मास्टरिंग करना या कौन सी प्लगइन्स यूज़ होती हैं तो वो हमारे स्टूडियो आ सकता है। 3 मंथ, 6 मंथ और 1 साल, 2 साल कोर्स है, हम कराते भी हैं। जिसको इच्छा है वो स्टूडियो आए, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उसको बताया जाएगा। मतलब एक तरह से आप यहाँ रिकॉर्डिंग के साथ साथ ये सब फैसिलिटीज़ भी यहाँ मिलती हैं, उन सब चीज़ के भी चार्जेस अलग अलग होंगे। मिनिमम यहाँ मतलब कि आपको मिनिमम चार्जेस में आपके यहाँ आराम से काम हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपका स्टूडियो है MSM जो नाव आपने ये जो बनाया है इतनी मेहनत से, इसकी शुरुआत आपको कहाँ से करी थी आपने? सबसे पहले तो जो ये स्टूडियो है MSM म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस, आप देख सकते हैं अगर आप अपना कैमरा पहने रखेंगे तो ऊपर जो है वो फोटो लगी हुई है, आप फोटो लगा के आएंगे तो ये जो MSM म्यूजिक जो नाम सुनते हैं ये हमारे गुरुजी हैं और ये उनके नीचे नाम है MSM म्यूजिक MSM पोर्शन। हाँ, तो इसकी शुरुआत हुई थी इनसे ही, क्योंकि मेरे जो गुरुजी रहे हैं उनका नाम है लकी ठाकुर, वो इस समय मुंबई में है। अच्छा। और उसके बाद
वो जब मुंबई गए उनसे सिंगिंग सीखी, जब वो मुंबई गए तो फिर उन्होंने, ये उनके भी गुरुजी हैं, उनके पापा भी हैं, ये उनके गुरुजी के गुरुजी हैं, हाँ ये उनके पापा भी हैं। अच्छा, तो जब उन्होंने मुझे शिक्षा वगैरह दी, मैं थोड़ा नॉलेज में आया, फिर मैं कलकत्ता गया, वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत सीखा आगरे घराने से। उसके बाद मैं कानपुर में, मेरे भैया हैं एमदेव सिंह, उनका भी स्टूडियो है, और बाकी लखनऊ में मैंने सीखा हुआ है, थोड़ा बहुत सीखा हुआ, ज़्यादा नहीं सीखा हुआ है। और उसके बाद वहीं से फिर जब मुझे थोड़ा नॉलेज हुआ म्यूज़िक प्रोडक्शन का, प्रोग्रामिंग का, रिकॉर्डिंग का, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलना उन्नाव में, अपने उन्नाव शहर में। बोला भी कि उन्नाव के लोगों के लिए, अब यहाँ पे आप लो बजट पे काम होता है। और फिर मैंने सोचा कि मैं इसका क्या नाम रखूँ, क्योंकि एक माँ बाप और एक गुरु दोनों बराबर ही होते हैं, जिनका कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता। तो मैंने ये स्टूडियो अपने गुरु जी के नाम पे रखा, MSM म्यूजिक प्रोडक्शन, मतलब पूरी तरह से उनको डेडिकेट कर दिया गया। मेन चीज़ आप ये बताओ, अगर मान लो कोई नो सिटी रिव्यू का व्यूअर मेरी वीडियो देखकर आपके स्टूडियो को विजिट करता है, तो उसे क्या मतलब कि यहाँ से ऑफर मिले? अगर कोई आपके चैनल से मेरे यहाँ विजिट करता है तो उसको भी कुछ ना कुछ ऑफर दिया जाएगा, मतलब कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, 100% है, तो उसको जो है ऑफर मिलेगा। अगर 10,000 का है तो उसे 9,000 में कर दिया जाएगा। वो मतलब कि प्राइस कोई, हाँ वो प्राइस मतलब एक फिक्स नहीं है ऑफर, मतलब लेकिन मिलेगा अगर कोई उन्नाव सिटी रिव्यू की तरफ से आता है। और सबसे पहली बात तो उन्नाव सिटी रिव्यू को मैं बहुत थैंक्स करता हूँ कि वो आए हमसे मिले, मोस्ट वेलकम, भगवान करे इनका चैनल और आगे बढ़े, ग्रो करे। सो थैंक यू सो मच उन्नाव सिटी रिव्यू। तो उन्नाव वालों, आप लोग यहाँ आओ, यहाँ की फैसिलिटी का फायदा उठाओ, लखनऊ कानपुर जाने की जरूरत नहीं है, आप जो उन्नाव में है उसी को तवज्जो दो, यहाँ कांटेक्ट करो, नंबर दे दिया है, उन्नाव सिटी रिव्यू का रेफरेंस दो और डिस्काउंट लो। और आप बताओ कि आगे आपको उन्नाव की किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताओ। बहुत जल्दी एक बार फिर से हम कमेंट्स के आंसर की एक बार फिर से वीडियो बनाने वाले हैं। तो उन्नाव वालों भर भर के कमेंट करो, अपने सवाल पूछो, और जिनको उन्नाव सिटी रिव्यू पे प्रमोशन करवाना है वो मुझे मेल कर सकते हैं officialindia1108। उन्नाव वालों वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, अब लाइक जरूर कर देना। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दे, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उन्नाव वालों वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए उन्नाव वालों बाय बाय।